हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगी। आज मैं आपके लिए व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली व्यूअर्स की राइट नाउ की एनर्जी क्या कहती है आपके पर्सन की, आपको लेके आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है व्यूअर्स, सभी के लिए की जा रही है, किसी भी जेंडर के पर्सन के लिए इसको देखा जा सकता है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और व्यूअर्स, की रीडिंग टाइमलेस होती हैं क्योंकि जब भी आपके सामने आएंगे आपके सिचुएशन से रेजोनेट होंगे, तो आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके एनर्जी क्या है। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी व्हाट आर दी एनर्जी, व्हाट इज़ दी एनर्जी फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, बॉटम से आता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो 2 नंबर एंड 29 नंबर की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी आती है आपके लिए। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, सो वी हैव अ फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, मून एंड द टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके ओके व्यूअर्स, तो देखिए आपके पर्सन की अगर हम जर्नी की बात करें, उनकी अपनी लाइफ की बात करें, तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन एक ऐसे सफ़र पे हैं यहाँ पे, जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, जिस लाइक कि कुछ खोने का डर है इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर, जो अचीव किया है अपनी लाइफ में, और ये नहीं चाहते कि वो सब कुछ अपनी लाइफ में जो उन्होंने बनाया है, जो गैदर किया है या जो इनको मिला है अब तक, वो उनको सब कुछ छोड़ के एक नया लाइफ में इनको एंटर करना पड़े और फिर से इनको सब कुछ रीएस्टैब्लिश करना पड़े। आपको समझ में आया? चलो मैं समझाती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करके। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में यहाँ पर टावर मूवमेंट भी है, यानी कि आपका हो सकता है कि शादी को लेके ही प्लान हो इस रिश्ते के, इस पर्सन के साथ में। मे बी आप लोगों ने या तो शादी करी हुई हो सकती है या फिर आप शादी करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पे कि शादी को लेके एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है, शादी में ही दिक्कतें आ गई हैं। मे बी भाई दो भागों में बटा हुआ यहाँ पर संसार नज़र आता है, एक तरफ आपके पर्सन आपके साथ में मुझे बटे हुए नज़र आते हैं और एक तरफ अपने परिवार के साथ में बटे हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। अब आपके पर्सन के लाइफ में व्यूअर्स एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर इनको किसका साथ देना है, किसके साथ नहीं देना है, क्योंकि एक तरफ आप उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, एक तरफ आपके पर्सन के उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो उनको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हूँ तो मैं एक ही, अब मैं दो भागों में कैसे बट जाऊँ। ठीक है, आत्मा तो एक है, दिल तो एक है, अब उसको बांटने की कोशिश हो रही है, तो ये कैसे किसी को बांट के बंदो, कैसे किसी दो भागों में बंट सकते हैं, कैसे किसी को किसी का हक दे सकते हैं। अगर दोनों ही पार्टी मिल जाएं, दोनों ही पार्टी में अगर एक्सेप्टेंस हो जाए तो इनके लिए बेहतर हो जाएगा, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन यहाँ पे अगेंस्ट में ही लिया गया है। और आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे यही समय आ गया है कि इनकी लाइफ में स्ट्रेस है, परेशानी है, बर्डन है, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आगे ये बढ़ना नहीं चाहते हैं, आगे
मतलब मूविंग फॉरवर्ड नहीं होना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की, हैंडल करने की और कहीं ना कहीं कन्वेंस करने की। ठीक है, तो कन्वेंसिंग एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि वो अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपके साथ में भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं इस समय, क्योंकि आप भी उनको नहीं छोड़ना चाहते हो, आप भी उनसे प्यार करते हो, आप भी उनको अपने साथ में रखना चाहते हो। और वो जो इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर कोई अनदर थर्ड सिचुएशन हो सकती है, जो भी व्यूअर्स हो यहाँ पे, देखो दो भागों में बटा हुआ इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो अगर उनके साथ में ये उनकी बातें सुनते हैं तो वो अपनी बातें सुनाते हैं इनको, आपके सुनते हैं तो आप अपने सुनाते हो। तो इस पर्सन को समझ में आ ही नहीं रहा है कि मैं एक्चुअल में किसका साथ दूँ और किसका साथ नहीं दूँ। इनके लिए दोनों ही अपने हैं और आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दोनों ही इनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनके इनके ऊपर इनके हालात क्या हैं, ये किस तरह के टाइम से गुजर रहे हैं। तो उनको ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मे बी हो सकता है यहाँ पे सास बहू का ही चक्कर हो कुछ लोगों के लिए, मे बी आपके हस्बैंड की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो। जस्ट एक एग्जांपल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है कि भाई शादी को लेके ही पर्सनली देखा जाए इशू है और इनको एक डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन व्यूअर्स यहाँ पे ये अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ एक खुशनुमा लाइफ हो और ये किसी भी तरह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में नहीं फंस के रहना चाहते। मतलब ऐसा नहीं हो कि इनको एक परिवार छोड़ना पड़े या फिर अपने घर से दूर जाके रहना पड़े या फिर कहीं ना कहीं अपनी खुशियों का त्याग करना पड़े, ऐसा कुछ ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हो जिससे ये सिचुएशन को, ये जो टफ सिचुएशन आ गई है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आ गई है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, इस प्रॉब्लम से ये ओवरकम करें यहाँ पे। तो आप जा समझ सकते हो बस आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। दे वांट यू एज अ फैमिली, एज अ लाइफ पार्टनर, एज ए, हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी, लाइफ पार्टनर हो सकता है या फैमिली हो सकती है, आप उनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हो। लेकिन ये सबको साथ लेके चलने वाली एनर्जी है व्यूअर्स, किसी को छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है। देखो चैरियट भी यहाँ पे है, वो यही दिखाता है कि भाई इस पर्सन को सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, अकेले जीना ये पर्सन नहीं चाहता, किसी को भी छोड़ के किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। ये चाहता कि भाई एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और ये सारथी इस समय है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में दोनों ही पहिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ये हीलिंग चाहते हैं पर्सनली। अगर देखा जाए यहाँ पे इनकी जो एनर्जी मिलती है इस रिलेशनशिप को लेके, हीलिंग है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कि यही चाहते हैं कि जो टावर मोमेंट आया आपके रिलेशनशिप में, इसमें हीलिंग हो, इसमें एक्सेप्टेंस हो, आपके लिए जो डोर ब्लॉक है वो डोर ओपन हो, आपको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, आप उनको एक्सेप्ट करो, वो आपको एक्सेप्ट करें, और कहीं ना कहीं जो अबंडेंस के डोर जो ब्लॉक हैं वो ओपन हो सके। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो केयरिंग कनेक्शन है, वो आपको प्यार करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन चाहे वो फीमेल हो या मेल हो डजेंट मैटर, लेकिन दे वॉन्ट यू एज ए क्लोज टू हार्ट व्यूअर्स, आप उनके बहुत नज़दीक हो दिल के, और वो आपको खुश देखना चाहते हैं। वो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको दुखी देखना चाहते हैं या फिर आपको आपका हक नहीं देना चाहते, बिल्कुल वो आपसे प्यार चाहते भी और आपको प्यार देना भी चाहते हैं। क्योंकि जितना प्यार आपसे मिला है आपके पर्सन को, जितना केयर आपने की है, वो कोई और नहीं कर सकता। उनको समझ में ये बात आती है कि आपका ना तो स्थान कोई और ले सकता है और ना ही वो किसी को देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फैमिली की ज़्यादा मुझे नज़र आती है, कि फैमिली यहाँ पे इश्यूज़ बहुत लंबा और स्ट्रांगली क्रिएट कर रही है। यानी कि वो ही नहीं चाहते, मतलब सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी गई है आपके पर्सन के सामने, या तो तुम हमें चुन लो या उसे चुन लो। ठीक है, लेकिन हम तो उसको नहीं चुनेंगे, वो हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आता है। आई थिंक व्यूअर्स ये काफ़ी टफ सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि क्या करूँ, ऐसा साम दाम दंड भेद ऐसा क्या इस्तेमाल करूँ जिससे ये सिचुएशन हैंडल हो जाए। लोगों की मानसिकता कैसे बदलूँ, वो कैसे दिखाऊँ जो कि रियलिटी है। ठीक है, वो कैसे समझाऊं जो ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है, दे वॉन्ट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। ये अपने अधिकार, अपने डिसीजन अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये नहीं चाहते इनकी लाइफ का डिसीजन कोई और ले। इनकी लाइफ है तो इनके लाइफ के डिसीजन इनको ही लेने चाहिए ना, मतलब कोई और कैसे इनकी लाइफ का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे।
गिल्टी एंड द न्यू विजन, पास्ट लाइफ प्रोजेक्शन, टावर एंड द स्लोइंग डाउन। सो व्यूवर्स, देखो यहाँ पे सारे कार्ड्स आपको एक मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि आपके पर्सन की लाइफ में, अगर कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी एज ए पर्सन प्रेजेंट है, मतलब एज ए सेक्सुअल कनेक्शन के रूप में प्रेजेंट है या फिर किसी लव कनेक्शन के रूप में प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन व्यूवर्स आज उस रिश्ते की वजह से, इस रिश्ते पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये रिश्ता जो टूट रहा है, ये रिश्ता जो ख़त्म हो रहा है, मे बी कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स केस भी हो सकता चल रहा हो, ठीक है, तो ये रिश्ता व्यूवर जो यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है ना, इस बात की उनको गिल्टी भी बहुत है। मतलब वो गिल्टी एक तरह से बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि ना मैंने ऐसा किया होता, ना मैं उस पाथ पे चली होती, ना मैं उस पाथ पे चला होता, और मैंने अगर अपने आप में वो कमियाँ देख ली होती, ठीक है, या फिर मैंने समझ लिया होता इस पाथ का, इस रिश्ते का दूसरा स्वरूप भी, तो काश मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आया ही ना होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बस कि आपके पर्सन ने उस समय उन चीज़ों को नहीं देखा, सिर्फ एक भ्रम में रहे, एक इल्यूज़न में रहे, लेकिन आज ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में वो जो भ्रम था, वो इल्यूज़न था, या जिन चीज़ों को देखना नहीं चाहते थे, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। जब वो चीज़ें सामने आ रही हैं व्यूवर्स, वन बाय वन निकल के, तो यहाँ पे टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आ गया, उसकी वजह से आपका रिश्ता टूट गया, बिखर गया। और इस पर्सन की लाइफ में व्यूवर्स जितना ये सोच के चल रहे थे, इनको उतना भी एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं मिल रहा है, यानी कि इनको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो एक नई सोच के साथ में आगे बढ़ते हुए मुझे ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे नज़र तो आ रहे हैं। मतलब सोच क्या है यहाँ पे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरी ज़िंदगी में मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे इनका जो पास्ट है वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उस पास्ट की वजह से ये जो पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपके साथ में जो गलत इस पर्सन ने किया है, या जो बातें आपसे इस पर्सन ने हाइड की हैं, जो वो आपको आपका हक नहीं दे पाए हैं, जो एक जस्टिस नहीं कर पाए हैं आपके पर्सन आपके साथ में, इस रिश्ते के साथ में, और जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, आज बिखरा है, तो इस बात का इनको व्यूवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे एक गिल्ट और एक अफसोस भी यहाँ पे नज़र आता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर ये रिश्ता टूटा है ना, तो सबसे ज़्यादा आज ये हर्ट यही पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आप हर्ट हो सकते हो, बहुत हर्ट हो सकते हो, क्योंकि रिश्ता जब टूटता है तो दोनों ही पार्टी हर्ट होती हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल पर्सन। लेकिन इस पर्सन ने कुछ ना कुछ व्यूवर्स पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से ये गिल्ट में है आपके साथ में। मतलब कुछ बातें आपसे छुपाई हैं इस पर्सन ने, मे बी कोई सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है वो आपसे छुपाया हो, और ये आपसे छुपाते छुपाते उस चीज़ में इतना धंसते चले गए कि आज वही चीज़ जब रिवील हुई है तो ही प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी को आप जानते हो और वो थर्ड पार्टी आपको जानती हो, तो अब कहते हैं दो पार्टों के चक्की के बीच में अकेले ये पिसते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये ओवरकम करना चाहते हैं। रिपनेस सौरव, सिर्फ एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि ये कंट्रोल कर लेंगे, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक तरह से आपके दिल में अगर देखा जाए प्यार ये जगा के रहेंगे। अगर आपके दिल में इनके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो प्यार जो है वो जाग जाए इन आपके दिल में इनके लिए। अगर वो प्यार भी टूटा है, ख़त्म हुआ है, तो प्यार जागे और सिचुएशन से ओवरकम हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ से प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ जाती है, वैसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस रिश्ते को लेके। सो आप प्रे करें डिवाइन से, देखते हैं इस रिश्ते को लेके इन फ्यूचर डिवाइन ने क्या सोचा है। ओके, होप फॉर द बेस्ट आपके लिए फर्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, यहाँ पे होप रखें, ठीक है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी आएगा, प्रॉस्पैरिटी भी आएगी, और कहीं ना कहीं आप जो अभी इस समय बुरे वक्त से गुजर रहे हो ना, ये बुरा वक्त भी छट जाएगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी में अगर देखा जाए यहाँ पर रेनबो वाली एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आप लोग गुजरते हो ना, उसके बाद जो रेनबो आता है वो एक तरह से इंद्रधनुष वाले जो कलर होते हैं ना, वो भर देता है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आएगी। अभी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में हर चीज़ नेगेटिव हो रही है, हर चीज़ मेरी लाइफ में ख़राब हो रही है, यह पर्सन भी कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रही है, बताता कुछ है, करता कुछ है, या फिर कहती कुछ है, होता कुछ है, इसकी बातों में सच्चाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ये है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं देखो, सब चीज़ें वक्त के साथ में ही सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। अभी जो चीज़ जैसी नज़र आ रही है, हमेशा वैसी ही नहीं रहती है, ठीक है।
जब बारिश छट जाती है ना, तो उसके बाद में जो खुशबू आती है ना मिट्टी की, जो जो फूल पौधे खिल के आते हैं, उसकी सुंदरता ही अलग होती है। वैसे आपके जीवन में भी सुंदरता यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन साइड, ठीक है कि आपके लिए व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे मुझे कैद नज़र आ रहे हो। आपको समझ में ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी अब कैद हो गई है, मुझे एक जो फ्रीडम है लाइफ में ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का मौका पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेगेटिव विचारों में आप लोग कैद हो, तो उन विचारों से आप लोग बाहर निकलेंगे। और 7-7 नंबर व्यूवर्स यहाँ पे एक तरह से न्यू जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है जो आपके लिए आई है। काउंट योर ब्लेसिंग, जिन्होंने अच्छे कर्मास किए हैं। देखो अगर आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है, आपने अच्छे कर्मास किए हैं, तो उनका रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, तो आपने जितना भी किसी के लिए अगर अच्छा किया है, आपने किसी के लिए साथ में बुरा नहीं किया है, तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में डे बाय डे इकट्ठी होती जा रही हैं, और उन्हीं के फल स्वरूप आपको यहाँ पे क्लोजनेस मिलेगी इस रिश्ते में। ठीक है, वही है केयरिंग कनेक्शन में भी क्लोजनेस है और यहाँ पे भी है, तो आप बहुत ही क्लोज आ जाएंगे। बस आप अपने कर्मास को अच्छा रखें, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई थिंक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। सो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।